मैंने इसका थोड़ा सा स्पीड टेस्ट किया तो गाड़ी लगभग 110 तक ही। तो ये कुछ हमने पाउच लिया है जो सर्वो का टूटी ऑयल होता है। तो अभी हमारे मैकेनिक साहब इस गाड़ी के टेस्ट ड्राइव इन इस नट से पावर बढ़ती है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज अपनी गाड़ी का एकदम अच्छे से ट्रायल होगा और मैकेनिक हमारे साथ है वीरेंद्र मेसराम श्री बालाजी ऑटोमोबाइल से। तो ये अभी लेफ्ट साइड बैठे हैं, इनको बोलते हैं कि राइट साइड में जाइए, आप उस साइड जाइए। अब इसको आप आज चला के अच्छे से चेक करिए। गाड़ी में जो प्रॉब्लम लग रही है अपने को, प्रॉब्लम यही है कि गाड़ी में हल्का फुल्का लैग समझ में आ रहा है। तो इसको देखना है कि आखिर लैग किस वजह से है, क्योंकि मैं इसको इतना देर तक चलाया था कि गाड़ी का जो टैंक है ड्राई हो गया था और फिर उसमें डीजल बचा नहीं था। तो मैं बाद में फिर डीजल डलवाया, तब से फिर ये दिक्कत आ रही है। अभी स्टार्टिंग देखिएगा, स्टार्टिंग तो ठीक हो रही है। ये देखिए झटके मार मार के चल रही है। तो ये हैं हमारे मैकेनिक साहब वीरेंद्र मेसराम जी। तो ये चला रहे हैं, अब फिर ये अच्छे से चला लेंगे, इसके बाद ये बताएंगे कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से गाड़ी थोड़ा झटके मार रही है, क्या इसमें प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, ट्रैफिक सिग्नल बार बार आ जाता है और फिर इस तरह का जो ट्रैफिक जाम है ये भी रहता है, तो उतना समझ में आता नहीं है। फिर भी मैं इसको जब से गाड़ी का काम हुआ है तब से लगभग इसको 150-200 किलोमीटर तो चला ही चुका हूँ। पिकअप सही ले रही है, बस थोड़ा सा जो है झटके मारने वाली समस्या है, इसको देखना है। ये देखिए जो खच से आवाज आई, ये सब चीज थोड़ा सा। तो अभी जो हमें लैग वाली समस्या आ रही है, बहुत दिन से गाड़ी जैसे पड़ी थी वहाँ पे, इंजन भी लगा था, पानी बरसात उसमें सब गया, इस वजह से थोड़ा सा उसमें लुब्रिकेशन चाहिए पंप में, तो हम लेके आ रहे हैं लुब्रिकेशन। तो ये कुछ हमने पाउच लिया है जो सर्वो का टूटी ऑयल होता है, इसको हम अपने गाड़ी के डीजल टैंक में डालेंगे, क्योंकि मैकेनिक ने बोला है कि इससे थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा फ्यूल वाला कैप खोलिए उधर से, जैसे कि गाड़ी बहुत दिन से खड़ी थी उसमें डीजल भी बहुत दिन जब पड़ा रहता है ना, तो डीजल ख़राब हो जाता है, इससे क्या है पंप का जो रोटर लाइनर है सब चीज़ थोड़ा सा वो सूखा चल जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं रहता। इस वजह से कभी भी गाड़ी को ड्राई होने तक ना चलाएं। तो अभी ये खुल गया है, इस पर डालते हैं। 10 लीटर डीजल मैंने डाला है इसमें गाड़ी में। तो इसी तरह इसमें मैं 2 पैकेट डालूंगा, 1 पैकेट मैंने पूरा डाल दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा धूप बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा क्लियर हो नहीं पा रहा। तो 2 पैकेट टूटी ऑयल डालने के बाद अब गाड़ी चला रहे हैं, देखते हैं क्या फील आता है, पहले जैसा ही ये झटके मारती है कि नहीं। ये थोड़ा झटके मारती है दूसरे से तीसरे गियर जाने में, यही थोड़ा दिक्कत कर रही है। अभी कुछ फर्क समझ में आ रहा? अच्छा, और बताइए गाड़ी चलाने में कैसी लग रही है? गाड़ी चलाने में क्या है? इंजन, गियर बॉक्स, ये जो अपना हाई प्रेशर पंप है सब कुछ सही है। तो अभी हमारे वीरेंद्र भैया ने बताया कि अभी इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत समझ में आ नहीं रही है और है भी नहीं, थोड़ा झटके मार मार के चलती है। इस समस्या का समाधान करना है, ऐसा लगता है फ्यूल की सप्लाई कम है या तो फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से चेक करने के बाद ही आज सही रिजल्ट पे हम आएंगे और आपको बताएंगे अच्छे से कि गाड़ी कैसी है, गाड़ी का इंजन कैसा है। तो अभी हमारे मैकेनिक साहब इस गाड़ी के टेस्ट ड्राइव लेके आए हैं, जो कि मेरी ही गाड़ी है, और इन्होंने ये इंजन स्वैप किया है, लेकिन इनका उसमें कोई रोल नहीं है कि मतलब ये इंजन हमें दिलाए हो, इंजन मैं लेके आया था। अभी थोड़ा सा जो तीसरे गियर में लैग है इसको ये सही करेंगे। तो बोनट खोल लिए हैं, अब देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। हम लोग काफ़ी लंबा रन लेके आए हैं, यहाँ पे आप इंजन की कंडीशन देख सकते हैं, कुछ ऐसी दिख रही है। बोनट लगाते हैं, हाँ नीचे करिए बस। तो थोड़ा ये पंप में कुछ सेटिंग करने वाले हैं, एक्सीलेटर वायर भी हल्का सा ढीला है, तो इसको सही करेंगे। ये देखिए इतना लूज है,
नहीं लूज नहीं रहना चाहिए। बाकी मेरा मेरी गाड़ी में थोड़ा सा इंटर कूलर का भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कालापन आ रखा है। बाकी और कहीं से बैक वगैरह तो दिख नहीं रहा है, गाड़ी अभी सही चल रही है। थोड़ा माउंटिंग के नट वगैरह एक बार और टाइट करवाना है, ताकि जो खचर उचर की साउंड आती है साउंड ना आए। तो अभी इसका एक कुछ सेटिंग कर रहे हैं पंप का, बहुत ही ढीला था है ना। बाकी गाड़ी चलने में अभी थोड़ा अच्छी है, मतलब जो जो चला रहा है उनको सबको अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे को ही थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था, लैग कर रही थी, झटके मार रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा इसको एक बार और चेक करवा रहा हूँ। अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है लगता है, हल्का सा करीब। हो गया टाइट ही रहने दीजिए, अब छोड़िए तो। चेक कर लीजिए प्ले उसका, हाँ अभी सही है। और कुछ सेटिंग वोटिंग करेंगे इसका, ये वाला नट आप खोले थे, इसको टाइट किए थे फिर? इस नट से क्या होता है? इस नट से कैसे पावर जो है पावर बढ़ेगा, ढीला करने से टाइट करने से ढीला कर। गलत जगह पे लगा है, एक छोटा हाथी वाला बोले तो कितनी होगा, ज़्यादा तेल खाने लग जाए उससे भी तेल का मतलब नहीं। तुम जितना इकोनॉमी में चलाओ ये से स्पीड में चलाओ, तेल ये जो है ना ये वाला ये है वो तेल वाला। अच्छा, बाकी इस नट से पावर बढ़ती है, इसमें जो है ना स्लाइडर जो है अपना ठीक है ना, ये जो स्लाइडर है वो कैसे टूटता भी बढ़ जाएगा तो पावर और बढ़ जाएगा। पूरा फूल इस नट से है ना, कितना बढ़ेगा तो नट की सेटिंग कर लेने के बाद अब कार स्टार्ट होगी। करिए एक बार और देख, कड़क मीन्स तो अभी आप लोग इंजन की साउंड सुन लीजिए, साउंड कैसी आ रही है, एक नंबर का साउंड है। थोड़ा सा सेटिंग करवाया हूँ क्योंकि तीसरे गियर में लैग था, अगर ये सेटिंग कामयाब रही तो मैं फिर आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप लोग भी देख लीजिएगा कि कौन से नट से ऐसी सेटिंग बढ़ती है कि फिर इसमें पावर आ जाती है। तो अभी तो बढ़िया साउंड ओन बढ़िया कर रहा है, जो जो चलाते हैं सबको अच्छा लगता है, पता नहीं मेरे को क्यों नहीं लगता, अब देखते हैं। धुआं हुआ भी नहीं मार रही बिल्कुल भी,
अभी आप लोगों ने देखा, मैंने इसका थोड़ा सा स्पीड टेस्ट किया तो गाड़ी लगभग 110 तक इजली चली गई। तो इंजन में कोई फॉल्ट वैसे दिख नहीं रहा है। अब अच्छे से मैं इसकी ड्राइव कर लिया हूँ, मैकेनिक लोग, टेक्नीशियन लोग सब कोई चेक कर लिए हैं। अब ये आप मत बोलिएगा कि आधी अधूरी वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो पूरी थी। आप देख सकते हैं सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, गाड़ी भी एकदम नाक के सीध पे भाग रही है, मतलब अब मजा आ रहा है चलाने में। अभी एक बार और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कितना पहुंच गई। तो आप लोगों ने देखा 120 की स्पीड तक मैं गाड़ी को भगाया और काफी स्टेबल गाड़ी चल रही, इंजन भी बढ़िया चल रहा है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।